हाय व्यूअर्स, आज जो मज़ेदार और हेल्दी डिश हम बनाने जा रहे हैं वो है लाल लोबिया विद कीमा। ये बहुत ही हेल्दी डिश है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो आए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में ऑयल लिया हाफ कप। इसमें ऐड करें हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हम प्याज और ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। नेक्स्ट हम ऐड करें हैं नमक 2 टेबल स्पून या हसब जायका, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून या हसब जायका और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इस सारे मसाले को हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कीमा 500 ग्राम। कीमे को धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका थोड़ा मोटा होना चाहिए, बारीक कीमा आपने नहीं लेना। और 4 से 5 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर मीडियम साइज़ में, इसके छिलके हमने उतार लिए थे। इसको भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह भून लेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे गल जाएँ। कलर इसका चेंज हो रहा है, इसको 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारे जो कीमे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। कीमा गल भी गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लोबिया 500 ग्राम। लोबिये को धोकर हमने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। इसमें आयरन होता है और विटामिन्स होते हैं। आपने इस डिश को ज़रूर ट्राई करना है, अपने बच्चों को भी खिलाया करें। इसको भी हम 4 से 5 मिनट भून लेंगे ताकि लोबिया हमारा गल जाए। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। पानी हमने इसमें नहीं ऐड करना अभी, सिर्फ इसको कीमे के पानी में ही हम भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको भून लें। ओके, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करें 1/2 लीटर पानी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें पानी के साथ। बंद करने लगे हैं 7 से 10 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर आपने बंद कर देना है ताकि कीमा और लोबिया जो है वो गल जाए। ये देखें अब हम ढक्कन उठा रहे हैं इसका। और ये देखें आपके हमारा पानी भी जो है वो खुश्क हो चुका है, क्योंकि हमने इसको खुश्क रेसिपी बनाना था इसलिए हमने इसको ग्रेवी में नहीं ऐड किया। पानी खुश्क हो गया है, लोबिया और कीमा जो है हमारा गल चुका है बहुत अच्छी तरह। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया और इसको मिक्स कर लेंगे सारे लोबिये के साथ। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको डिश ऑफ करें, आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें या वैसे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।